टाइटैनिक का रहस्य हमेशा से ही एक बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक रहा है। तो आइए आज मैं आपको बताऊंगा इससे जुड़े कुछ रोचक तथ्य इन माय वीडियो टाइटैनिक एक रहस्य पार्ट टू। वायलेट जोसेफ या तो दुनिया की सबसे अनलक्की महिला थी या सबसे लक्की, यह आपकी सोच पर डिपेंड करता है। वो एक ब्रिटिश नर्स थी जिनका पालन पोषण अर्जेंटीना में हुआ था। वो 24 साल की थी जब उन्हें टाइटैनिक पर एज अ नर्स नियुक्त किया गया। टाइटैनिक तो डूब गया पर वो बच गई। 4 साल बाद वो टाइटैनिक की सिस्टर शिप ब्रिटैनिका पर सवार हुई, पर वो भी एक रहस्यमयी एक्सप्लोजन की वजह से डूब गई। उसमें 1065 में से कुल 30 लोग मारे गए, पर वो नर्स उसमें भी बच गई। उन दिनों उन शिप्स को अनसिंकेबल कहा जाता था। इसके अलावा कुछ सालों बाद वो टाइटैनिक की एक और सिस्टर शिप आरएमएस ओलंपिक पे भी सवार थी, पर किसी दुर्घटना की वजह से वो भी डूब गई। अब बताइए आप इसको क्या कहेंगे, हमें कमेंट सेक्शन में लिखकर बताइएगा। साफ साफ बताया गया है कि टाइटैनिक में कुछ बहुत ही अमीर लोग सवार थे। उसमें से एक थे अमेरिकी बिजनेसमैन जॉन जैकब एस्टर फोर। वो शिप पे सबसे अमीर आदमी थे और माना जाता है कि वो उस समय दुनिया के भी सबसे अमीर आदमी थे। उस समय उनकी नेट वर्थ थी 87 मिलियन डॉलर्स, यानी 609 करोड़ रुपए, और अगर आज के हिसाब से देखा जाए तो यह इनकम बैठती है 2.3 बिलियन डॉलर्स, यानी कि 16,000 करोड़ रुपए। 1897 में उन्होंने एस्टोरिया होटल बनवाया, जो कि उस समय दुनिया का सबसे लग्जीरियस होटल था। हाँ और हाँ, ये होटल आज भी एग्जिस्ट करता है। परंतु उस दुर्घटना में उनकी मृत्यु हो गई और उनकी गर्भवती बीवी बच गई, और आगे जाकर उनकी सारी संपत्ति उनकी बीवी और उनके बेटे को मिली। क्या आप जानते हैं कि जो टाइटैनिक की लास्ट सर्वाइवर थी, उनका नाम था मिलविनिया डीन, जो कि एक ब्रिटिश सिविल सर्वेंट थी। जब टाइटैनिक का हादसा हुआ तब वो कुल 2 महीने की थी और वो शिप की सबसे यंगेस्ट पैसेंजर भी थी। वो थर्ड क्लास में सवार थी। उस ट्रेजिडी में उनके पिताजी की तो मृत्यु हो गई, परंतु वो और उनकी माँ बच गए। इस दुर्घटना के करीब 100 साल बाद वो अपनी इंग्लैंड के अपने पुश्तैनी मकान में उनकी मृत्यु हुई। उनके आखिरी दिनों में उनके हाउसिंग बिल्स टाइटैनिक फिल्म के कलाकार लियोनार्डो डिकैप्रियो, कैपे विस्लिट और फिल्म के डायरेक्टर जेम्स कैमरन ने दिए। जैसा कि हम सब जानते हैं कि टाइटैनिक एक बहुत ही लग्जीरियस बोट थी। उसमें 1000 बोतल वाइन, 40,000 अंडे और 14,000 गैलन पानी था। टाइटैनिक को 6 वार्निंग मिली आइसबर्ग से टकराने से पहले, पर सब ने नज़रअंदाज की क्योंकि उन्हें लगता था कि ये बोट तो कभी डूब ही नहीं सकती। 32% पैसेंजर्स बचा लिए गए, लेकिन अगर शिप को ढंग से डिजाइन किया गया होता तो आज 53% लोग बच जाते। टाइटैनिक के हादसे के बाद कुछ अफवाहें भी फैलाई गई। कहा गया कि इस हादसे में किसी की भी जान नहीं गई, ताकि लोगों में शांति बनी रहे और हड़कंप ना मचे। बहुत से अखबारों ने छापा कि इस जहाज पर कुछ नहीं हुआ, सबको लाइफ बोट्स द्वारा बचा लिया गया है, हर कोई सुरक्षित है। जैसा कि आप स्क्रीन पर देख सकते हैं, ये सब अखबार 15 अप्रैल 1912 को हैं। जी हाँ, ये वही डेट है एक दिन बाद की, क्योंकि 14 अप्रैल 1912 को टाइटैनिक डूबा था। सबको कहा गया कि सबको बचा लिया गया, पर सच कुछ समय बाद बाहर आ ही गया, क्योंकि सबको पता था कि बचने की तो कोई उम्मीद ही नहीं थी सबकी। इस घटना का चित्रण करने के लिए 1997 में एक मूवी बनाई गई टाइटैनिक, जो कि बहुत ही हिट रही। और क्या आप जानते हैं कि इस मूवी को बनाने में पूरे 200 मिलियन डॉलर लगे थे, जबकि अगर टाइटैनिक जो जहाज था उसको बनाने में उस समय लगे थे पूरे 7.5 मिलियन डॉलर, जो अगर उस 1997 के हिसाब से देखा जाए तो बैठते थे 190 मिलियन डॉलर, यानी कि कुल 10 मिलियन डॉलर कम। पर देखिए ना, कुदरत का खेल, वह मूवी ज़्यादा सक्सेसफुल हुई जबकि असली टाइटैनिक डूब गई। टाइटैनिक के बचाव कार्य में 144 में से 97% महिलाओं को बचा लिया गया, जबकि 32% पुरुषों को बचाया गया जो कि फर्स्ट क्लास में सफ़र कर रहे थे।
जबकि 168 में से 14 लोगों को बचाया गया जो कि सेकंड क्लास में थे। अगर टोटल सर्वाइवल रेट देखा जाए तो वो था महिलाओं के लिए 74% और पुरुषों के लिए कुल 20%। आई होप आपको टाइटैनिक के दोनों पार्ट पसंद आए होंगे। अगर पसंद आए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को प्रेस कीजिए और मुझे इंस्टाग्राम पर फॉलो कीजिए। थैंक यू सो मच एंड नमस्ते।